नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश में महंगाई की मार झेल रही जनता अब और परेशान होने वाली है। बात हम बिहार के संदर्भ में करें तो बिहार में दोबारा आई बाढ़ ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। किसान की फसलें बर्बाद हो गई है और किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको पता होगा कि जब मानसून की शुरुआत हुई बिहार में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए जिसकी वजह से खेती किसानी पूरी तरह से बर्बाद दिखाई पड़ी। लेकिन जब किसान थोड़ा सा संभले तो अक्टूबर महीने में एक बार फिर से बरसात शुरू हो गई, जिसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति कई सारे इलाकों में दोबारा उत्पन्न हो गई। धान की फसल पूरी की पूरी तरह से डूब गई, जिसके बाद किसान अपने आप को काफ़ी बर्बाद महसूस कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि कैसे पूरा का पूरा जो खेत है वो पानी में समा गया है। धान की जो फसलें हैं वो टूट टूट कर गिर गई है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग इलाकों का फिलहाल क्या हाल है और इसका असर बाजार पर कैसा पड़ने वाला है। बिहार में इस साल बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जानमाल को नुकसान पहुंचाया है। लोग बाढ़ की विभीषिका से जब तक उबरने की कोशिश करते हैं, बाढ़ फिर से दस्तक दे देती है। बिहार में इस साल अब तीसरी बार है जब बाढ़ आई। अब ऐसे में उत्तर बिहार के कई जिलों में जल कर्फ्यू लगा हुआ है। बिहार में बाढ़ की वजह से किसानों का हाल बेहाल है। बेतिया की बात करें तो बिना मौसम बारिश से किसानों की खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है और किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं पशुओं को चारे का भी संकट हो गया है। मधुबनी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो बारिश के चलते खेतों में लगभग तैयार हो चुकी धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि रोपनी के बाद बाढ़ ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया और अब तैयार फसल को बेमौसम बारिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की तस्वीर भी काफी भयावह है। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से ही पानी लगा था, एक बार फिर से बारिश हो रही है और फिर से जिंदगियां मुश्किल में है। घर के बाहर 4-4 फीट तक पानी लगा हुआ है। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई है। लोगों को कीड़े मकौड़े और सांप का डर सता रहा है, क्योंकि जब भी जल जमाव जैसी स्थिति होती है तो कीड़े अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। भागलपुर की अगर बात करें तो एक बार फिर से गंगा कहर बरपा रही है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में गंगा नदी का तेज कटाव जारी है। अब तक गांव के दर्जनों घर गंगा नदी में समा चुके हैं। यहां तक कि सड़कें और बिजली के पोल भी इधर उधर चले गए हैं, जिसकी वजह से बिजली की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ के ठाकुरगंज प्रखंड में चंद सेकेंड में दुर्गा मंदिर महानंदा नदी में समा गई और लोग देखते ही रह गए। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से यहां त्राहिमाम की स्थिति है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फसलों की स्थिति कैसी होगी। किशनगंज की तो स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है ही, और कई सारी नदियां हैं जो उफान पर है। नेपाल के विराटनगर से लेकर बिहार के जोगबनी तक का इलाका जलमग्न है और ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें हमारे सामने आई है आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे खेत जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। फसलें बर्बाद हो रही है, किसान माथा पीट रहे हैं और किसानों के अलावे आम जनता को भी इसका दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के अलावे खाने पीने की सामग्रियों के भी दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब अब फसल बर्बाद हो रही है तो मार्केट में भी अनाज का शॉर्टेज होगा और इसके वजह से दाम एक बार फिर से सभी चीज़ों के बढ़ने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस कड़ी में सरकार क्या प्रयास करती है, किसानों को किस तरह की राहत देती है, किस तरह की मदद दी जाती है और आम जनता के लिए महंगाई से निपटने की क्या योजना बनाई जाती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।